गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के बच्चे ध्यान दें। आज का लेसन 3rd है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके बारे में आपको बताना है। निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हिंदी में कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? इसको हम आप ऐसे समझें कि फर्स्ट टाइम आप एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई यहाँ जहाँ पे ये दोनों रेखाएं क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को हिंदी में बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु। तो जो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0, 0। अब 0, 0 का मतलब समझ लें, 0 एक्स जो होता है उसको बोलते हैं ऑक्सिसा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भुज, और वाई होता है कोऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में आप कहते हैं कोटि। तो जो आपके निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो लिखे जाते हैं x, y के फॉर्म में। किस फॉर्म में? x, y के फॉर्म में। मतलब जो पहले लिखा हुआ होगा वो एक्स होगा और कॉमा के बाद जो लिखा जाएगा वो वाई होगा। एक्स है तो वो उसको ऑक्सिसा बोलोगे, आप उसको भुज बोलोगे, और जो वाई होता है उसको आप कोऑर्डिनेट्स बोलते हो, कोटि बोलते हो। अब एक चीज और इसमें हम ध्यान से देखें कि जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब ये चार 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो पार्ट्स होते हैं, ये भाग होते हैं, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश हिंदी में बोलेंगे। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे हम, जिसको आप द्वितीय चतुर्थांश कहोगे। इसको हम तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है बच्चों? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखिए लिखा हुआ है, इसमें लिखा है प्लस, मीन्स एक्स एंड वाई की जो वैल्यू होगी, कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? प्लस होगी, वाई की वैल्यू भी क्या होगी? प्लस होगी। तो जब प्लस प्लस में क्या होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसमें एक्स कॉमा वाई, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी, और वाई की वैल्यू किस में होगी? प्लस में होगी। थर्ड वाले में क्या होगा? x, y, x की वैल्यू भी माइनस होगी और y की वैल्यू भी माइनस होगी। फोर्थ वाले में क्या होगा? x, y, x की वैल्यू तो प्लस होगी लेकिन y की वैल्यू क्या होगी बेटा? निगेटिव होगी। तो ये आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसको आप बोलते हो उसमें प्लस माइनस होता है। मतलब एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस। एक दूसरे को जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? 0, 0 होती है, क्योंकि नंबर लाइन पे आप पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपकी इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है। वाई एक्सिस पे आते हैं तो अप में ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और नीचे की तरफ क्या होंगी? नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है बच्चों? अब ये हो गया जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सारी वैल्यूज किस पर रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। ग्राफ पे जब दिखाओगे निगेटिव और ये दिखाओगे तो सारी पॉजिटिव। ऊपर की तरफ जाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सारी वैल्यू किस पर रहेंगी?
पॉजिटिव रहेंगे। डाउन में आओ तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे वैल्यू किसका होंगे, ये सब नेगेटिव होंगे। ये चीज क्लियर हो गई सभी लोगों को, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, सारी चीजें समझ में आ गई आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, एक बार फिर से रिपीट करिए, प्लस प्लस मींस आपका एक्सिस एंड ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे, भुज और कोटी दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकंड में माइनस प्लस होगी, थर्ड में माइनस माइनस होगी, फोर्थ में प्लस माइनस होगी। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई बच्चों, वेरी गुड। एक्सरसाइज कर आते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कर रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल ऑफ लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो हमें क्या कहते हो, आपको ये बताना है कि आपके स्टडी रूम में जो एक टेबल लगी हुई है, टेबल पे एक लैंप रखी हुई है बेटा, अगर कोई पर्सन आ जाता है तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे कि आपकी टेबल पे जो लैंप रखी हुई है वो कैसे रखी हुई है, कहाँ पे रखी है, उसकी पोजीशन क्या है। तो हमने एक टेबल बना दी, तो ये एक टेबल है ठीक है, इसमें एक हमने लैंप रख दिया है कि एक लैंप रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, जब आप इसको एक्सिस में ड्रॉ करोगे, एक्सिस में हम ड्रॉ कर देते हैं आपका ये ओरिजिन पॉइंट, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 20, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो आप क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ आप कितने डिस्टेंस, कितने यूनिट पे देख रहे हैं, 20 यूनिट पे, और वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है, 10 यूनिट पे। तो जब इसकी पोजिशन आप शो करोगे तो पोजिशन इसमें क्या होगी, 20, 10 मीन्स एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल से 20 यूनिट की डिस्टेंस पे है और वर्टिकल पे जो है 10 यूनिट की डिस्टेंस पे आपकी लैंप रखी हुई है। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 36 में 20 इकाई की दूरी पर और ऊर्ध्वाधर में 10 इकाई की दूरी पर आपकी लैंप क्या है बेटा, रखी हुई है। ऐसे आप इसको डिस्क्राइब करोगे और ऐसे इसकी आप पोजीशन बताओगे। अब इसमें से ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको करना है, तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बेटा। सेकंड एक्सरसाइज पे अगर आते हैं तो सेकंड एक्सरसाइज में आप देखिए आपको पोजीशन बतानी है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कि कैसे इसमें हम पॉइंट्स बताएंगे। वैसे जितना हमने आपको बताया है अगर इस सबको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं ठीक है बेटा।